सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा बेकार होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि डीएनएस चेंज करो, मतलब प्राइवेट डीएनएस चेंज कर दो, खुल जाएगा। क्या ये सेफ है? डीएनएस से आईडी बैन होता है कि नहीं होता? अब जिनके फोन में डीएनएस नहीं है वो लोग कैसे करेगा? सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा कि जिनके फोन में डीएनएस नहीं है वो भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे मेरा गेम, कि मेरा गेम ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टैप टू बिगिन करते हैं। देख सकते हो कि मेरा गेम हमेशा ओपन होता है जब से मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया। आज से कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मेरा गेम ओपन नहीं होता, हमेशा ओपन हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में ब्रॉडबैंड है, प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। बट तुम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है एंड कुछ लोग ये बता रहा है कि प्राइवेट डीएनएस चेंज करो तो हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट डीएनएस क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। और ये कैसे काम करता है आप देख भी सकते हो आराम से, ये पिक में दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ये एक आईपी एड्रेस का काम करता है। सो ये डीएनएस तभी काम करते जब आप गूगल खुल के कोई काम करते हो। डीएनएस का फुल फॉर्म तो मैंने आपको दिखा दिया कि डोमेन नेम सिस्टम। एंड सो अभी हम बात करेंगे क्या डीएनएस सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डीएनएस पूरी तरीके से सेफ है। और जो डीएनएस हम यूज करते हैं फ्री फायर वाले, उसका नाम है dns.edgar.com। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूं, अगर फ्री फायर ना खेलते हो ना, फ्री फायर ना खेलते हो फिर भी ये dns.edgar.com को प्राइवेट डीएनएस से चेंज करके रखना, क्योंकि ये तुम्हारी फ़ोन को हैक होने से बचा सकता है। तुम्हारी बैंक डिटेल्स, फोन पे डिटेल्स सिक्योर हो जाता है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। अगर तुम क्रोम ओपन करते हो, कुछ सर्च करने जाते हो, भले ही तुम कुछ और देखने जाते हो, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ऐड आते हैं ना, जो तुमको ज़रूरत नहीं होता। अननेसेसरी ऐड आते हैं बहुत, एक के बाद एक पेज ओपन होते रहता है। बट प्राइवेट डीएनएस में तुम रखोगे, प्राइवेट डीएनएस चेंज करके edgar.com रख के अगर ओपन करने जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा फालतू का ऐड भी नहीं आएगा। तो dns.edgar.com जो है पूरा का पूरा सेफ है। तो तुम लोग इसको आसानी से चेंज कर सकते हो एंड खेल सकते हो। एंड दूसरी बात है, जिनके फोन में डीएनएस नहीं है, तो मेरे को एक चीज पता चला कि जिनके पास वो नहीं है, मतलब फोन में डीएनएस नहीं है, मेरे खुद के फोन में नहीं है, रेडमी नोट 4 है, आज से 3-4 साल पहले लिया था, अभी भी अच्छा खासा चल जाता है। तो उनके लिए एक मैं बता देता हूं कि तुम लोग कैसे करोगे। तो प्ले स्टोर पर जाना है एंड डीएनएस लिखना है। डीएनएस लिखने के बाद आ जाएगा, तो इस ऐप को तुमको ओपन करना है। यानी इस ऐप को ओपन करने के बाद तुमको डीएनएस चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है पिक्चर में, तो यहाँ पे गूगल डीएनएस जो दिख रहा है ना, ये देखो गूगल डीएनएस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो तुम्हारा आराम से डीएनएस चेंज हो जाएगा, फ्री फायर ओपन होने लग जाएगा। ठीक है, बस तुमको डीएनएस चेंज करना है, जैसे कि मैंने तुमको दिखा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर वीडियो बनाने बोलोगे तो कभी बना भी देंगे। तो तुमको करना क्या है, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना गूगल डीएनएस, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना है, और भी यहाँ पे डीएनएस है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो और भी डीएनएस मिलेगा। बट तुमको गूगल डीएनएस सिलेक्ट करना है, डन स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो तुम्हारा डीएनएस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा फ्री फायर आराम से ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। और मैं एक बात बता दूं, फ्री फायर जो है बैन हो चुका है, सभी को पता है, इसलिए नेटवर्क में एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से नेटवर्क का जो एक्सेस है वो शायद लिमिटेड कर दिया या बैन कर दिया, मुझे नहीं पता, या क्लोज ही कर देगा कुछ दिन बाद, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, बट तुम लोग ऐसे करके खेल सकते हो, यानी पूरा का पूरा सेफ है। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।